सोलन में राजनीतिक दलों द्वारा लगातार किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट के सब्ज बाग दिखाए और अच्छे मुनाफे के वायदे किए, लेकिन भाजपा हो या कांग्रेस किसी भी सरकार ने उनकी यह मांग को पूरा नहीं किया। यही वजह है कि किसानों को अपनी फसलें औने पौने दामों पर मंडी में बेचनी पड़ती हैं, जिसके कारण आज किसानों में भारी रोष है। सोलन में राजनीतिक दलों द्वारा लगातार किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट के सब्ज बाग दिखाए और अच्छे मुनाफे के वायदे किए हैं, लेकिन भाजपा हो या कांग्रेस किसी भी सरकार ने उनकी ये मांग को पूरा नहीं किया है। यही वजह है कि किसानों को अपनी फसलें कम दामों पर मंडी में बेचनी पड़ती हैं, जिस कारण आज किसानों में भारी रोष पनपा हुआ है। किसानों का कहना है कि चुनावों के समय में ही राजनीतिक दल किसानों को याद करते हैं, लेकिन जब जीत हासिल हो जाती है तो किसानों को भूल जाते हैं। किसानों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता सोलन आए और किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट देने के वायदे किए, लेकिन आज तक किसानों को केवल वायदों का झुंझुना थमाया गया है और आज तक उन वायदों को अमलीजामा पहनाने का प्रयास तक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही नहीं, राजनीतिक दलों ने भी किसानों से कई बड़े वायदे किए, लेकिन ये चुनावों तक ही सीमित रहे और चुनाव जीतने के बाद ये वायदे हवा हवाई हो गए। 13 तारीख को मोदी जी सोलन आ रहे हैं, तो मेरा उनसे एक ही सवाल है, जो पिछली बार वो 2014 के यहाँ पे वादे कर गए थे, जिसमें मेन वादा हमारे हित के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमारे यहाँ पे रोजगार के लिए, ठीक है, अच्छे दाम के लिए, ये सब चीज़ के लिए हमारे लिए फायदेमंद होने वाली थी, बट 5 साल में उसका कहीं नामो निशान नहीं है। इनकी सरकार को हमेशा ही इलेक्शन के टाइम पे ही किसान याद आ जाते हैं। आज तक इन्होंने किसान के लिए क्या वादे पूरे करे हैं, और इनके ही 10 साल से सांसद यहाँ से रह चुके हैं, उन्होंने किसानों के लिए क्या दिया है? जैसे कि बीजेपी सरकार ने वादे किए थे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुलेगी, अभी तक कोई यूनिट नहीं खुली है। पूरे इलेक्शन टाइम, फिर से इलेक्शन चुनाव आ चुके हैं, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, यूथ को कोई रोजगार नहीं मिला है, सारे ऐसी मतलब हमारे पास सारे बेरोजगार बैठे हैं इस टाइम। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार हर बार की तरह झूठे वादे ना करे, कोई ऐसा रोजगार दे जिससे यूथ को नया रोजगार मिले और हमारा देश डेवलपमेंट हो। जैसे कि इस यूनिट से किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा, अगर फूड यूनिट हमारे यहाँ खुल जाती है तो मतलब रोजगार तो है ही है, और साथ में हमारी डेवलपमेंट भी, और सबसे मेन तो रोजगार है, जो आज की डेट में रोजगार मिलना बहुत मुश्किल है। हिमाचल के किसानों की काफ़ी समय से प्रोसेसिंग यूनिट की मांग रही है, ताकि यहाँ पर किसानों को अच्छे दाम मिल पाए, और कोई भी सरकार अपनी वादे पूरे करने में सक्षम नहीं हो पाई है। इलेक्शन टाइम में सब वादे करते हैं और सब इलेक्शन खत्म होने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। सरकार इलेक्शन टाइम में जो है, अभी मोदी सरकार ने जो वादे किए थे कोई भी पूरा नहीं हुआ, जैसे कि किसानों को फूड खोलने का बताया था इलेक्शन, तो वो भी कोई वादा नहीं पूरा किया गया। इलेक्शन टाइम में वादे करती है और झूठे वादे करती है।